वेलकम टू NBT। मेरा नाम डॉक्टर विशाल छाबरा है। आई एम ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में हम डिप्रेशन को कैसे देख सकते हैं। मैंने पिछले दो वीडियोस में बताया था कि व्हाट आर द कॉज ऑफ डिप्रेशन एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इस डिप्रेशन में बात करेंगे, अगर बच्चों में डिप्रेशन है तो उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या वो लक्षण वही होते हैं जो सीनियर्स में या एडल्ट्स में होते हैं, या उनमें कुछ अलग होते हैं, एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट बच्चों में क्या डिप्रेशन होता है। पहला क्वेश्चन कई लोग ये भी पूछ सकते हैं, बच्चे तो बड़े भगवान का रूप होते हैं, उनमें डिप्रेशन कैसे होगा, तो हमें मस्त रहते हैं, उनको क्या टेंशन है। बट रिसर्च में देखा गया है, बार बार स्टडीज में देखा गया है, और मैं अपनी खुद प्रैक्टिस में भी देखता हूँ कि बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है। रिसर्च में तो इवन 1 साल के बच्चे तक में डिप्रेशन देखा गया, हालांकि उसके लक्षण थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट जो कॉमनली मैंने देखे हैं 6-7-8 साल के बच्चे भी आए हैं मेरे को डिप्रेशन के, और टीनएजर्स में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो आज हम दोनों बात करेंगे। तो जो बच्चे जो प्री टीन्स हैं और टीनएजर्स, दोनों में डिप्रेशन की संभावना है और होती है। डिप्रेशन उनमें क्या फीचर्स होते हैं, जो प्री टीन्स में हैं, ऐसे बच्चों में चिड़चिड़ा हो जाना, रोने लग जाना, डर जाना बिना किसी बात के, स्कूल जाने से मना करना, माँ बाप को चिपक के रहना और उनसे दूर ना रह पाना, उनको डर लगना कि माँ बाप थोड़ा सा भी उधर जाएं कि वो माँ बाप मेरे खो जाएंगे, ये सब फीचर्स प्री टीन्स में यानी छोटे बच्चों में, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। तो स्कूल रिफ्यूज़ल, स्कूल ना जाने का मन करना, माँ बाप से चिपके रहना, भूख ना लगना, दिन ढंग से सो ना पाना और रोए जाना बिना किसी कारण के, कोई भी आप चेंजेस इस तरह के देखें तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और ऐसे बच्चे से आपको बने बच्चे से बात करनी चाहिए। अगर बच्चा आपको बता दे, वेल एंड गुड, आप चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो भी कारण से परेशान है, नहीं तो उसको नियर बाय साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ ताकि फर्दर बात की जा सके, पता कर सके। इन टीनएजर्स थोड़ा डिफरेंट होता है डिप्रेशन में। इफ़ यू सडनली सी ए ड्रॉप इन ग्रेड्स, बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा था 6th-7th क्लास में, सडनली उसके ग्रेड्स डाउन होने शुरू हो गए, दैट कुड बी ए साइन कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद द चाइल्ड। या सडनली यू सी चेंज इन द पीयर ग्रुप, कि कुछ बच्चे थोड़े अलग हो गए उसके पीयर ग्रुप के, या तो पीयर ग्रुप थोड़ा बदमाश टाइप का हो गया, या बच्चा बिल्कुल अलग थलग सब पीयर ग्रुप को छोड़ चुका है, अकेले रहने लग गया, बिना कोई फ्रेंड्स बनाए नहीं रहा है। इन वन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सिचुएशंस दिस कुड बी साइन कि कुछ उसके मन में चल रहा है जो ठीक नहीं है। उसी तरीके से आप देखो कि अगर बच्चा अपने जो टीनेजर अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखना, चुप चुप बैठा है, विड्रॉन है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता, दोस्तों से मिलने नहीं जा रहा है, भूख नहीं लग रही है उसको, या इरेटिक टाइम पे खा रहा है, इरेटिक टाइम पे ना सो रहा है ना उठ रहा है, दीज अगेन कुड बी ऑल बी साइंस कि द चाइल्ड और द टीनेजर मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अनलाइक बड़े लोगों से, बच्चे और टीनेजर्स खुल के नहीं बता पाते कि उनको डिप्रेशन है, तो उनके व्यवहार में चेंज आ जाता है। तो छोटे बच्चे या तो रोएंगे, या वो डरेंगे, या चुपचाप हो जाएंगे, या माँ बाप से चिपके रहेंगे, जबकि टीनएजर्स को आप देखोगे वो या तो विद्रोही हो जाएंगे, या अपना सेल्फ केयर का ध्यान नहीं रख पाएंगे, या गुस्सा चिड़चिड़े हो जाएंगे, या सबसे विड्रॉ होके एक अपने कमरे में अलग थलग होके बैठ जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी आप फीचर्स अपने बच्चों में देखें तो डू नॉट हेजिटेट इन टॉकिंग टू देम, बात करने से ही बात बनती है। तो आज ही से आप कोशिश करें अपने बच्चों के साथ एक ओपन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन रखें, उनकी बात सुनें, सिर्फ लेक्चर ना दें। सो वी शुड लिसन, वी शुड प्रैक्टिस लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग आर किड्स, हमें सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। सो इफ़ यू डू दैट तो हम उनसे जो कम्युनिकेशन लेवल रहेगा, तो अगर उनके बच्चों में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम उसको समझ सकेंगे। एक लास्ट वार्निंग साइन जस्ट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, अभी तो हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो ज़्यादातर मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, OCD हो, या सब्सटेंस अब्यूज यानी नशे की आदत हो, ये सारे जो हैं वो एज ग्रुप 15-25 में शुरू होते हैं। तो हमें अपने टीनएजर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए और उनके वी शुड हैव अ गुड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विद देम, ताकि थोड़ा सा अगर कुछ चेंज आए उनके बिहेवियर में तो हम उसको तुरंत पकड़ लें, और वी शुड नॉट
let our child get sick. Thank you all. I hope you enjoyed this video. Please like, share and subscribe to NVT. Thank you. This is Dr. Vishal Chhabra signing off. Namaste.